हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग और हमारे न्यू सेशन एडमिशन का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लोग बीएचयू या किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करा ले, ठीक है। और बीएचयू पाठशाला का एक ऐप है, हम लोग वहाँ पर स्टडी कराते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो हम बीएचयू के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो लोग बीएचयू के इस बार ऑनलाइन प्रोसीजर में बैठने वाले हैं, ऑनलाइन पेपर देने वाले हैं, जो बीएचयू के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। देखिए बगल में कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिसमें कि ये लिखा गया है कि दूरस्थ जो घर पे हैं वो अपना एग्ज़ाम दे सकें, ऑनलाइन होगा, ओबीई होगा मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। परीक्षा की अवधि 4 घंटे रखी गई है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या जिसको बोलते हैं दिव्यांग, उनके लिए 6 घंटे है। आप अपनी कापी अपने हाथ से लिखोगे और दूसरे के हाथ से नहीं लिखवा सकते हो, एक ही हैंड राइटिंग होनी चाहिए और टाइपिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या। देखिए मैंने यहाँ से एग्री किया, मैं पूरा डेमो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्लीज़ चेक डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ग्रीन वाले पे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया, जैसे ओपन पे क्लिक करता हूँ पेपर आ जाएगा। पेपर ऑलरेडी मैंने कर दिया है तो मैं पेपर नहीं करूँगा, अब ऊपर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अपलोड करने का मैं फंक्शन भी दिखा देता हूँ। जैसे टोटल कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 8 आते हैं। करने कितने होते हैं, 4 क्वेश्चन। 4 घंटे में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एक्चुअली इसमें लॉजिकल थिंकिंग है, बीएचयू ने सोच रखी है कि 3 घंटे में सॉल्व करेगा, 1 घंटे में अपलोड करेगा आदमी। देखिए अब आंसर अपलोड करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन डालो। जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डालते हो और फिर उसके बाद ये आगे का प्रोसीजर सॉल्व हो जाता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, मतलब पेज अपने आप 1 ले लेगा। जैसे ही सेकंड पेज आप डालोगे तो फिर सेकंड ले लेगा। देखिए यहाँ पे एक रिव्यू का भी ऑप्शन आता है, जैसे मैंने अपने अपलोड कर रखे हैं, मैं अपना पहला वाला पेपर आंसर देख रहा हूँ। देखिए मैंने ये डाला, ये देखिए मेरा पहला पूरा आ गया। ये मैं यहाँ से रिव्यू कर सकता हूँ कि मेरे क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट पेज आ गया, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पेज, मतलब आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया, फिर क्लोज कर दीजिए इसको। इस तरीके से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस मेरे अपलोडेड हैं, मींस मैंने आई हैव डन माय क्वेश्चन पेपर। तो ये बड़ा आसान सा तरीका था और आप लोग इसको देख लीजिए। ये बीएचयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ही होगा, मींस बीएचयू का जो ऑनलाइन पोर्टल है आपका पोर्टल। मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ कि फाइनली आप कैसे यहाँ तक आते हो, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा पोर्टल होता है, मैंने डायरेक्ट ये होता है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, फिर इसके बाद वाला डैशबोर्ड आता है, फिर उसके बाद वो प्रोसीजर आता है, ठीक है। तो ओके एवरीवन, डू लाइक एंड डू शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लोगों को सजेस्ट कीजिए और बीएचयू पाठशाला ज्वाइन कराइए। बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।